नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. सो इसमें क्या दिया हुआ है ये देखो. इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी हुई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. तो यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो है यहाँ पे, और 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये बकेट रखी हुई है. एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. तो जैसे ये बकेट है, 5 मीटर का डिस्टेंस एक पोटैटो आपको मिलेगा, फिर 3 मीटर का डिस्टेंस एक और पोटैटो, फिर 3 मीटर का डिस्टेंस, और ऐसे 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे पोटैटोज को रखा हुआ है. देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन. तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टिल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं. अ कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट. तो यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है. पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट. तो यहाँ से रेस स्टार्ट हुई, 5 मीटर कवर किया, पोटैटो को उठाया, फिर भागे, फिर यहाँ पे रख दिया. रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इन इट, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट. वॉट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपेटिटर हैज टू रन. ओके, तो सिमुलेट करते हैं इसको फिर से. हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम बनाते हैं. तो देखो क्या दिया हुआ है, बकेट है बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पे वो कंपेटिटर स्टैंड कर रही है, उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, पोटैटो को उठाया, फिर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और फिर उसको ड्रॉप कर दिया. तो एक पोटैटो यहाँ पे आ गया. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 5 + 5. ओके, फिर यहाँ से उसने भागना स्टार्ट किया, 5 मीटर कवर किया, और फिर 3 मीटर कवर किया, मतलब 5 + 3 दैट इज़ उसने 8 मीटर कवर किया, पोटैटो को उठाया, फिर 3 + 5 मतलब 8 मीटर कवर किया, और सेकेंड पोटैटो डाल दिया. तो फर्स्ट पोटैटो बकेट के अंदर फेंकते वक्त 10 मीटर उसने कवर किया, सेकेंड पोटैटो इसमें रखते वक्त 8 + 8 इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है. अब आगे बढ़ते हैं, फिर वो यहाँ पे है. अब उसको ये तीसरा पोटैटो पिकअप करना है. तो उसने 5 3 3 5 3 3 इतना कवर किया, पोटैटो को उठाया, फिर 3 3 5 3 3 5 इतना कवर किया, और अब तीसरा पोटैटो बकेट के अंदर आ चुका है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसके डिस्टेंसेस. पहला पोटैटो पुट करते वक्त 10 मीटर कवर कर चुकी है वो, दूसरा पोटैटो इसमें पुट करते वक्त 16 मीटर कवर कर चुकी है, तीसरा पोटैटो पुट करते वक्त इसने कितना कवर किया, देखो 5 + 5 = 10, 3 3 6 16 हो गया टोटल, और फिर 3 3 है तो कितना होगा टोटल, 5 + 5 = 10, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. तो उसने 22 मीटर कवर कर दिया. एक बार अब ये टर्म्स देखते हैं, 10 मीटर 16 मीटर डिफरेंस कितना है, 6 का, 16 मीटर 22 मीटर डिफरेंस कितना है, अगेन 6 का. तो अब जनरलाइज हो गया कि चौथा पोटैटो बकेट में पुट करते वक्त उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा होगा, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 28 मीटर कि 6 6 का डिफरेंस है, कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिर जाके चौथा पोटैटो कलेक्ट करके फिर से आके उसको पुट करते वक्त उसको 28 मीटर कवर करना पड़ेगा. ठीक है, अब ऐसे कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं. ठीक है, देर आर 10 पोटैटोज. तो ये पूछा गया है कि 10 के 10 पोटैटोज को उठा के इसमें पुट करते वक्त टोटल उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल है कि पहले पोटैटो के लिए हमको पता है डिस्टेंस कितना लगा, सेकंड पोटैटो को पुट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, थर्ड पोटैटो को पुट करते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो 10 पोटैटोज को पुट करते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, हमको बेसिकली सम तो निकालना ही है, टोटल लगाना है हमको कि पहले पोटैटो के लिए इतना लगा, सेकंड के लिए इतना, हमको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. तो हमको बेसिकली यहाँ पे S10 निकालना है, सम ऑफ
10 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन के 10 टर्म्स, क्योंकि 10 पोटैटोज है ना, तो 10 डिस्टेंसेस हमको ऐड करने पड़ेंगे. एस 10 क्या होगा, 10 बाय 2, 2 ए पहला टर्म है 10, 2 ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 16 माइनस 10 विच इज 6. सो दिस इज 5, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 9, 6 9 जा 54, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 74. So the answer is 370 meters she has to travel.